12,000 ही क्या? तो देखो, कल हम पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक था अपना वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, कि स्पेस में दो वेक्टर होंगे, उनको जॉइन करके हमें एक वेक्टर बनाना है। तो वो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हमने ये थ्री डी सिस्टम है, इसमें स्पेस पे हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, P1 और P2, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, ठीक है। अब P1 के लिए, ओ पी वन क्या है? पोजीशन वेक्टर है P1 के लिए। और OP2 क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा किसके लिए? P2 के लिए। अब हमें P1 के OP1 क्या लिखना है? हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है इसको हमें, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं हम कि X1 किसकी डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में, Y किसकी डायरेक्शन में, J की डायरेक्शन में, Z किसकी डायरेक्शन में, K की डायरेक्शन में है, ठीक है। और तो यहाँ तक आ गए थे सब में, यहाँ तक। एंड लेट ओ पी टू इज पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी टू, X2 Y2 Z2, OP2 वेक्टर X2 i कैप प्लस में Y2 j कैप प्लस में Z1 Z2 k कैप, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? P1 से हम P2 की तरफ जा रहे हैं, और वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, ठीक है। P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं हम। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे हम? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब बताओ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में OP1 वेक्टर प्लस में P1 P2 किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? OP2 वेक्टर के। अब हमें OP1 की वैल्यू पता है और OP2 की वैल्यू पता है, हमें P1 P2 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से P1 P2 वेक्टर क्या आ जाएगा? OP2 वेक्टर माइनस में OP1 वेक्टर। ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड परस? तो समीर लेफ्ट होके ज्वाइन कर ले एक बार। OP2 कितना? देखो, X2 i कैप प्लस में Y2 j कैप प्लस में Z2 k कैप माइनस में X1 i कैप प्लस में Y1 j कैप प्लस में Z1 k कैप। तो इट इम्प्लाइज P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू X2 माइनस में X1 i कैप प्लस में Y2 माइनस में Y1 j कैप प्लस में Z2 माइनस में Z1 k कैप, ठीक है। तो हमें कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं स्पेस में, और हमें बोल दें कि उनको जॉइन करके आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, तो वो इस तरीके से फाइंड करेंगे हम। तो आप इसका ऑर्डर याद रखना, देखो P1 P2 हो गया, P1 P2 ना, तो 2 माइनस 1 होगा। देखो 2 माइनस 1 हो रहा है सभी में, याद रख लोगे ना? 2 माइनस 1
तो इतना है कि आपको सिर्फ इतना याद करना है, क्रैमिंग इतनी करनी चाहिए, ठीक है ना। ये बस, ये तो समझने के लिए कैसे आ रहे हैं, ठीक है, समझना भी ज़रूरी है इसको। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, P1 P2 का मैग्नीट्यूड, अब ये बताओ मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ होती नहीं होती, बताओ लेंथ होती नहीं होती है? लेंथ होती है ना। तो हम क्लास 10th वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। लेंथ मतलब ये डिस्टेंस ही हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो आपको यहां तक बात समझ में आई क्या? तो बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या परस? और आवाज भी आ रही है क्या? सही, ठीक है। अब देखो इसका एक स्पेशल केस है। अभी बताओ अगर डायरेक्शन P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं, तो P2 से P1 की तरफ भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बताओ, हाँ या ना? तो आपको देखो क्या करना है, इसके जस्ट नीचे स्पेशल केस लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप कर लेना, ये स्पेशल केस लिखो फटाफट। स्पेशल केस में आपको डायग्राम वापस से बनाना है, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आप P2 से P1 की तरफ हो जाएगी, वो P2 से P1 की तरफ हो जाएगी। लेट P1 X1 Y1 Z1 and P2 X2 Y2 Z2 बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस। वापस से ये लाइन लिखनी है आपको पहले वाली। ओ पी वन किसका पोजिशन वैक्टर होगा? P1 का। ओ पी टू किसका पोजिशन वैक्टर होगा? P2 का, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करो, आप ओ पी टू तक फटाफट। अब देखो हम यहाँ तक ओ पी टू हो गया। अब देखो ना, बाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, बताओ, ओ पी वन प्लस में पी वन पी टू होगा, या फिर ओ पी टू प्लस में पी टू पी वन होगा? देखो पहले हम ओ पी टू चलेंगे, ठीक है, फिर पी टू से पी वन की तरफ चलेंगे हम, और फिर हम ओ पी वन, दोनों की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये लाइन समझ में आएगी आपको कि मैंने कैसे लिखा है, ओ पी टू प्लस में पी टू पी वन इक्वल टू ओ पी वन। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये क्या हो जाएगा, देखो पी टू पी वन इक्वल टू ओ पी वन माइनस में ओ पी टू, ओ पी वन माइनस में ओ पी टू, ठीक है ना। ओ पी वन
एक्स वन वाई वन जेड वन, माइनस में ओ पी टू एक्स टू वाई टू जेड टू। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स वन माइनस में एक्स टू और ये पी टू पी वन, वाई वन माइनस में वाई टू, वाई वन माइनस में वाई टू, और ये हो जाएगा क्या, जेड वन माइनस में जेड टू, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस में एक्स टू, वाई वन माइनस में वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस में जेड टू का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे आप ऑर्डर देख लो क्या आ रहा है, पी टू पी वन है तो टू वन है, तो क्या करेंगे हम, वन माइनस टू करते जाएंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है ना। वन माइनस टू तो वन माइनस टू आ गया, वन माइनस टू आ गया, वन माइनस टू आ गया। तो ये था अपना वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो रफ कर दूंगा इसको, ठीक है। अब देखो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, 10.2 के इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहला जो टॉपिक था अपना वो क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर। उसमें हमने दो लॉज किए थे, पहला था कौन सा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बताओ ये आता है क्या आपको, ये समझ में आ रहा था ना आपको, आता ना आपको ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड इसमें किया था हमने कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी आता है आपको, ये टॉपिक भी आता है ना आपको। उसके बाद में हमने यूनिट वेक्टर को सीखा था क्या, कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। है ना, तो ये टॉपिक भी आता ना आपको, यूनिट वेक्टर वाला आता ना ये टॉपिक भी। फिर हमने सीखा था क्या, कंपोनेंट कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ये भी आता है ना आपको। उसके बाद में हमने सीखा था हाउ टू यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों टॉपिक आते हैं ना आपको, ये भी और ये भी। और उसके बाद में हमने सीखा था इक्वल वेक्टर्स,
इक्वल वेक्टर्स, ये भी आता है ना आपको। उसके बाद में मैंने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर, ये भी आता आपको ये वाला टॉपिक भी। उसके बाद में हमने क्या सीखा था अभी, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये वाला टॉपिक भी आता है क्या आपको? तो देख लो ये एक एक छोटे छोटे टॉपिक मिलाकर कितने टॉपिक हो गए कम, ठीक है ना, ऐड हो गए। अब एक और बचा है इसमें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो वो और पढ़ेंगे हम, वो शाम को पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये देख लो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है क्वेश्चंस में वो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो आपको ये 8 के 8 टॉपिक है ना, वो अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए शाम तक, ठीक है ना।